मित्रों, आइए एक फ्रेश केस डिस्कस करते हैं। इस केस में एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल, जिसको पहले से कोई भी थायराइड डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं थी, और यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10th वीक में फ्रैंक टॉक्सिक फीचर्स के साथ आई। याद रखें, इसके पहले हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए, वह सब केसेस में कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं थे। यह लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टॉक्सिक फीचर्स के साथ आई, और जब इसके थायराइड फंक्शंस देखे, तब हमने मिला T3 T4 लेवल्स बढ़े हुए हैं और TSH लेवल्स सप्रेस्ड हैं। इसका मतलब वह टॉक्सिक फीचर्स के साथ भी आई, और हमारे जो ब्लड लेवल्स हैं यह भी टॉक्सिक रेंज में हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में T3 T4 लेवल्स एलिवेटेड हो सकते हैं, TSH लेवल्स सप्रेस्ड होते हैं, इसलिए हमने उसको वेट करने का निश्चय किया और उसको एक महीने के बाद उसके T4 लेवल्स को रिपीट किया। देखिए, उस T4 लेवल्स में जब हमने एक महीने बाद रिपीट किया, तो हमने देखा T4 लेवल्स पहले से भी काफ़ी अधिक बढ़ गए। ये और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यदि पेशेंट भी हमारी अभी टॉक्सिक बनी हुई है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रेगनेंसी रिलेटेड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं है। यह कोई एक सेपरेट क्लिनिकल एंटिटी है, जिसमें थायरोक्सिन लेवल अनरेगुलेटेड और बढ़ते चले जा रहे हैं, और पेशेंट में वो क्लिनिकल टॉक्सिकोसिस भी उत्पन्न कर रहे हैं। यह ग्रेव्स डिजीज है। हम जानते हैं हमारे नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो, जो कि एक हाइपरमेटाबॉलिक कंडीशन है, उसमें सारे टॉक्सिक फीचर्स उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर ग्रेव्स डिजीज में वास्तव में थायरोक्सिन लेवल बढ़ा हुआ हो, तो वह इन टॉक्सिक फीचर्स को और अधिक बढ़ा देगा। इसी कारण से ग्रेव डिजीज के माइल्डर केसेस, जो प्रेगनेंसी के पहले हमें अनडायग्नोस्ड निकल जा रहे थे, प्रेगनेंसी में वो सिम्टोमेटोलॉजी के प्रेजेंट करने के कारण से, सिम्टोमेटोलॉजी के एग्रीवेट कर जाने के कारण से वो डिटेक्ट हो पाते हैं। अब ध्यान रहे, जिस प्रकार हाइपोथायरायडिज्म प्रेगनेंसी के आउटकम्स को खराब करता है, उसी प्रकार थायरोटॉक्सिकोसिस भी प्रेगनेंसी के आउटकम्स को खराब करती है। तो प्रेगनेंसी और टॉक्सिक लेवल्स के फीटस को अफेक्ट होने वाले फीटल हाइपरथायरायडिज्म, यह दोनों इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। आइए समझते हैं अब इन डिसऑर्डर्स को कैसे टैकल किया जाए। यह वह डिसऑर्डर नहीं है जो ट्रांजिएंट है, यह फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं है, और इसके लिए हमें फार्माकोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रेव्स डिजीज को हम रेडियो आयोडीन से मैनेज कर सकते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स में, जो प्रेगनेंसी में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सीवियर केसेस में हम सर्जरी करा सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक प्रेफर्ड मोड ऑफ थेरेपी नहीं है। तो एक वायबल ऑप्शन ग्रेव्स डिजीज के ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी के दौरान एंटीथायरॉयड ड्रग्स का यूजेस ही बचता है। हम जानते हैं तीन मुख्य एंटीथायरॉयड ड्रग्स हैं, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल वो एक ही प्रकार की ड्रग्स हैं। कार्बिमाजोल बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होके मेथिमाजोल में बदलती है। इन दोनों तीनों दवाओं में कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में पहुंच सकती हैं, जबकि प्रोपाइल थायोयूरेसिल प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। इसीलिए प्रोपाइल थायोयूरेसिल को प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, जिससे वो मैटरनल टॉक्सिक लेवल्स को तो कम करे, लेकिन प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में पहुंच के फीटस में फीटल हाइपोथायरिज्म ना कर सके। परंतु यहाँ पे एक कैच है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल प्लेसेंटल पैसेज तो कम है, लेकिन ये मदर के लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है। इसके विपरीत कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल प्लेसेंटा तो क्रॉस करते हैं, फीटस में हाइपोथायरिज्म कर सकते हैं, लेकिन मदर के लिए ज़्यादा सेफ है। इसलिए अपने मोस्ट सेंसिटिव फेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में, तो हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल को प्रेफर करते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम उसको मैटरनल सेफ्टी को देखते हुए और मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल में दोबारा स्विच बैक करके आ जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक प्रेफर्ड थेरेप्यूटिक एजेंट कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल होते हैं। तो मित्रों, ध्यान रहे,
ग्रेव्स डिजीज एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी में जिसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायरोयूरेसिल और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कार्बेमाजोल और मेथिमाजोल के यूज से इसे इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है।